मुझे एक साहब ने सवाल पूछा, कहने लगे मिलाद किसको मनाना चाहिए। मैंने कहा उस बेटी को मनाना चाहिए मिलाद, जो जिंदा होती थी तो दफन कर दिया जाता था, पर मेरे रसूल ने फरमाया आप जो बेटी पालेगा ना, मैं उसका बाजू पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस मां को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डाल के मां को मंडी में बेच आता था। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत सात आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, पर मैंने वहां से खींच के ला के मां के कदमों के नीचे रख दी है। मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो भैंस की तरह बकरी की तरह मंडी में बिकता था, पर मुस्तफा ने काले रंग वाले हबशी गुलाम को सीने से लगा के कहा गरीबों को छोटा ना समझना, मैं अल्लाह का रसूल जब जन्नत में जाऊंगा तो आगे भी गरीब होंगे, पीछे भी गरीब होंगे, दाएं भी गरीब होंगे, बाएं भी गरीब होंगे। फरमाया अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसे मनाना चाहिए मिलाद, मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू हसनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है। और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, एते साहेब नू वडियाईयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, एते महल चढ़ाया साइयां, तेरा काम था तेरी आंखें भीगी रहती। और उस बूढ़े को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले की जिसने इज्जत की उसने तो रब की इज्जत की, उसने तो रब की इज्जत की। मेरे भाई उस मजदूर को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया जो अपने हाथों पे छाले डाल के मजदूरी करता है मैंने तो उसे रब करीम का दोस्त बना दिया है। हर उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। उस बहन को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, चार बहन, तीन बहनें या दो बहनें ब्याह के जो आया तुम पे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसकी बेटी वापस आ जाए, तलाक हो गई या बेबा हो गई, वापस आ गई, नाम बस सकी, वापस आ गई, फरमाया वापस आने वाली बेटी की जो बाप खिदमत करेगा, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैं कयामत में उसका सिफारशी बनूंगा। तो उस बेवा को और तलाक याफ्ता को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, वो उस रसूल का जिक्र नहीं करेगी जिसने इतना दर्जा दे दिया, इतना नवाज दिया। और तुझे तो सुबह शाम मिलाद मिलाद करना चाहिए था, तुझे तो सुबह शाम दुरूद दुरूद करना चाहिए था, सलाम के गजरे भेजने चाहिए, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कहते तेरी जुबान जो है वो हर वक्त तर रहनी चाहिए थी। तू बहस कर रहा है, तू उस पर दलीलें दे रहा है, तू उस पर बातें कर रहा है, हजरत उमर से पूछना, हजरत उमर से, जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, नबी पाक उनसे बड़ा प्यार करते थे। एक जंग में पैसे आए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने 25,000 दिया अपने बेटे को, उसामा बिन ज़ैद को 50,000 दिनार दिए। बेटा कहने लगा अब्बा जी वो तो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, वो हुजूर के ज़माने में बच्चे थे, मैं जिहाद करता था, ये आपने क्या किया। तो हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे बेटा ये तेरे बाप के सर पर जो इज्जत के बाल हैं ये मुस्तफ़ा के उगाए हुए हैं। ये नबी पाक, उसामा से नबी पाक का प्यार बड़ा था, हुजूर की मोहब्बत बड़ी थी। बेटा इसके नाक से रींट निकलती थी तो रसूल पाक अपने हाथों से साफ कर देते थे, हुजूर इसको गोद में बिठाते थे। मैं कैसे भूल जाऊँ रसूल पाक के एहसानात कैसे। हजरत उमर जा रहे थे तो मक्के के रस्ते में एक तना आया, खजूर का खुश्क तना, हजरत उमर ने उसको बाजुओं में लेके रोना शुरू कर दिया। उमर क्या हुआ, कहने लगे यहाँ तो मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ और मेरा बाप मुझे मारा करता था, देखो आज उमर नारा लगाता है तो कैसरो किसरा काम, ओ भाई असला नाल जे नेकी करिए, हाँ 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 असला नाल
जे असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नसला ताक नहीं भुल दे, हां बे असला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। और सुन, तेरी दुनिया भी हुजूर के सदके बनी और तेरी कबर में भी कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कबर में भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहो। और देखना कबर के अंदर भी कभी कोई गया है? कबर में भी रसूल पाक, कबर में भी रसूल पाक, कबर में भी, कबर में भी रसूल पाक। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बताओ जिस कबर में नबी पाक आएंगे वहां अजाब क्या होना है? जब हुजूर ही आ गए तो अजाब क्या होना है? नबी पाक तो जिधर से गुजर जाए रब वो जगह जन्नत बना देता है, वहां क्या अजाब होना है? वहां तो दीदार होना है। तेरी कबर में भी नबी पाक। और हुजूर ने फरमाया मिजान अमल पे अमल तुलेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से गुजरोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत में जाने लगोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे, तू बता तेरे रसूल तो हर वक्त तेरे साथ है, तू कब कब नबी पाक के साथ होता है? तू बता ना, तू कब कब नबी पाक के साथ? मैं छोटे जलसे का कायल हूँ, लंबी महफिल मैं गुजारिश करता हूँ दोस्तों से कि लंबा जलसा ना करो। लेकिन एक जगह पे मैं गया तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने मुझे कहा मौलाना इनको समझाएं, आधी रात तक बिठाए रहते हैं, इनको समझाएं। मैंने कहा मैं समझाऊंगा पर आप भी जरा अपना लबो लहजा थोड़ा धीमा करें, तू तो पूरी रात नहीं नबी पाक के लिए जागा और मेरे रसूल तो सारी हयात तेरे लिए जागते रहे, सारी सारी रात महबूब ने। क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत, फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्दे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने, और फिर कहने लगे रो रो के मुस्तफा ने, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलाद खुल के मनाओ, रसूल पाक का मिलाद बहाने करते हैं। बहाने वो करता है जिसने काम नहीं करना होता, जिसने करना होता है वो बहाने। आला हजरत ने जो प्रोग्राम दिया वो बड़ा लंबा चौड़ा है, कब तक का तुझे क्या बताए? आला हजरत फरमा गए हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदूव जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।